नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीके न्यूज चौगामा की आवाज। मुजफ्फरनगर कचहरी परिसर स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे छात्रों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग की। छात्रों का आरोप है कि परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र और आंसर लीक हो गए थे, जिसको लेकर सरकार ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। वहीं छात्रों ने आपत्ति जताते हुए कहा कि सरकार आंसर जारी करने जा रही है। अभ्यर्थी अभिजीत ने जानकारी देते बताया कि सरकार के द्वारा आयोजित कराए गए पुलिस भर्ती का चारों पाली के पेपर लीक हो गए थे और अब 60 लाख छात्रों की मांग है कि परीक्षा को दोबारा से कराया जाए। ऐसा है, जो अभी सरकार ने 60,000 पदों पर सिपाही की भर्ती निकाली थी, जो उसका 4 शिफ्टों में पेपर हुआ था, वो पूरा का पूरा लीक हो गया। चारों शिफ्ट का पेपर लीक है। हमारी युवाओं की मांग है 48 लाख छात्रों की कि पेपर को दोबारा कराया जाए। हम सबूत देने के लिए सरकार को तैयार है। सरकार हमसे वार्ता करें, हम सबूत देंगे और ये पेपर जो है दोबारा कराया जाए। हमने जिलाधिकारी जी को ज्ञापन सौंपा है और जो यहाँ के क्षेत्र के नेता हैं उनसे भी हम मिले थे, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि हम इसमें बात करेंगे, लेकिन अब तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। 5-6 दिन हो गए और सरकार इसमें आंसर की जारी करने वाली हो रही। अगर आंसर की आ गई तो इसका मतलब भर्ती या होगी। हम नहीं चाहते कि यह भर्ती हो, क्योंकि यह बिल्कुल निष्पक्ष भर्ती नहीं है। सरकार के पास भी सबूत है, लेकिन एक जांच कमेटी के नाम पर सरकार हमें बहका रही है, ये बर्दाश्त नहीं करने का। जब आप देखिए, हमें 6 साल हो गए और 1 साल की लगभग 15,000 रुपये का तो फीस होती है कोचिंग की। इसमें एक युवा का अगर टोटल खर्च लगा ले 5 साल में तो लगभग 5 लाख के आसपास है, पढ़ाई, किताब, कोचिंग संस्थान, किराया, सब कुछ जोड़कर। ये आपके साथ सब छात्र हैं, सब स्टूडेंट हैं, सबके साथ शोषण हुआ है, ये बिल्कुल भविष्य अंधकार में चला जाएगा। सरकार ने कहा कि सबूत दो, इसके खिलाफ जांच। सबूत दिए हमने कल भी, जो सरकार ने UPPRB ने जो हमें एक ईमेल आईडी दी थी उस पर हमने सबूत भेजे और हम बाई हैंड भी देने के लिए तैयार हैं। क्या लगता है सरकार, निष्पक्ष जांच भी होनी चाहिए? सबसे पहले तो सरकार को निर्णय में पेपर रद्द करना चाहिए, फिर अपनी जांच करती रहे, जो इसमें दोषी है उन्हें जेल भेजना काम करें। अभी सरकार ने 250 लोगों को गिरफ्तार किया, किस उस पर किया कि पेपर लीक है ना, इनके नेता कह रहे पेपर लीक नहीं हो रहा। पहले तो आपस में सलाह कर लें। आपके जो हमारे डिप्टी CM है केशव प्रसाद मौर्य, वे कह रहे कि पेपर लीक नहीं हुआ, कुछ बच्चे उनसे ज्ञापन देने गए तो उनके साथ मारपीट करवाई पुलिस पर, तो ये बर्दाश्त नहीं कर लेगा। किनको पीट रहे? उन युवाओं को जिन्होंने वोट दी, इन युवाओं के दम पे तो है। जो पिछली सरकारें थी वे भर्ती बेचती थी, उनसे तो उन्हें सत्ता से हटाने के लिए तो आपको लाए थे, और आप ये काम करोगे फिर ये युवा क्या करेंगे? ठीक है।